गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में। जब आप बल्किंग करते हैं आपको कौन से सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड है और जब आप कटिंग करते हैं आपको कौन से सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड है। क्योंकि जब आप सप्लीमेंट शॉप पे जाते हैं लेने तो बहुत कंफ्यूज होते हैं और यूजुअली क्या होता है जो सप्लीमेंट शॉप पे जो लोग बैठे होते हैं वो आपको गाइड कर देंगे, अच्छा बल्किंग कर रहे हैं भाई ये ले जाइए ये वाला प्रोटीन, ये बल्किंग के लिए और कटिंग के लिए ये वाला प्रोटीन। तो इसके बारे में बात करेंगे। कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। शोर नहीं करना, बातें नहीं करो, परेशान मना करके उनको जाओ, मना करके शोर नहीं करना प्लीज। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फिटनेस टीवी, मेरा नाम है गौरव। बल्किंग की बात करते हैं, बल्किंग में कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। बल्किंग का मतलब क्या है, आप एक्सेस कैलोरीज या कैलोरीज चाहिए होती है, आप बल्क कर रहे हैं, अपने मसल टिश्यू ऐड कर रहे हैं तो आप प्लस में जा रहे हैं, तो कैलोरीज आपको प्लस में चाहिए। आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज अगर 2000 है तो आपको 2400 कैलोरीज चाहिए होंगी। अगर 2000 मेंटेनेंस है तो ये नहीं कि आप इधर 3000 भाग गए, लोग ऐसा करते हैं बहुत ज़्यादा खा लेंगे, बहुत ज़्यादा खा लेंगे, आपको फैट गेन होगा। अगर आपको क्लीन बल्क करना है, देखिए मसल उसी रेट से गेन होंगी आपके, आप चाहे कितना भी खा लें, आपको बस एक थोड़ा सा एक्सेस चाहिए। वो थोड़ा सा एक्सेस कितना होता है, 300 to 400 कैलोरीज। अगर आपको आइडिया दो, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, तो आप उसके हिसाब से देख लो आपको कितना एक्स्ट्रा खाने में खाना है। बट हाँ, 300 to 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा इज गुड इनफ। अभी बात करते हैं कि क्या लेना चाहिए बल्किंग में। मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देते हैं वर्कआउट को सस्टेन करने के लिए, प्रोटीन आपके अमीनो एसिड ब्रेक होते हैं और मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, फैट्स भी आपको एक हार्मोनल बैलेंस देते हैं, फील गुड फैक्टर देते हैं, ब्रेन की हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं और ग्रोथ में भी काम करते हैं। बट इसमें क्या रेशियो होता है प्रोटीन और फैट में, दिस हैज टू बी कंप्लीट। फैट भी होना बहुत जरूरी है नए मसल सेल बनने के लिए और प्रोटीन भी होना बहुत जरूरी है। कार्ब्स का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक कार्ब्स जाएंगे नहीं बॉडी में आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, एनर्जी नहीं आएगी, इंटेंस वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें लिंक्ड होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कीटो में रह के क्या मसल गेन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस उस रेट से नहीं होगी आपकी मसल गेन। देखो कुछ चीज़ें होती हैं डिफाइंड होती हैं, अगर बिना कार्ब्स की इतनी अच्छी ओलंपिया फिजिक बनती तो 1965 से बॉडी बिल्डिंग हो रही है मिस्टर ओलंपिया, और उससे पहले तो मिस्टर ओलंपिया खाना छोड़ देते कार्ब्स, बट एवरी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर दे हैव कार्ब्स, देयर इज अ रीजन फॉर इट। मेरा मानना है कि ओल्ड स्कूल वे इज द बेस्ट वे। ऑब्वियसली जो साइंस से नई चीज़ें आती हैं उनको एक्सेप्ट करो, बट साइंस से बस नई चीज़ें इसलिए आती हैं कि कंपनीज को उनसे फ़ायदा होता है, इसलिए भी साइंस से नई चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वे प्रोटीन, दिस इज द इम्पैक्ट वे प्रोटीन। कैरमल फ्लेवर है, मेरा फेवरेट है। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन लोग सोचते हैं दूध के साथ, क्योंकि देखो लोगों की गलती नहीं है, हमारे देश में एक ये फंडा है कि दूध से ताकत आती है, वो बहुत सही फंडा है, उसमें कोई गलत फंडा नहीं है। स्टॉप टेकिंग मिल्क विद वे प्रोटीन, क्योंकि मिल्क एक फास्ट ये है, वे एक फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है, और जब आप उसको मिल्क के साथ मिक्स करते हैं तो मिल्क में केसिन और वे दोनों मिक्स होता है, तो केसिन पार्ट ऐसे मिल जाएगा एंड तो आप वे का पूरा बेनिफिट लूज कर देंगे। ये बनता है मिल्क से, मिल्क में जो है वे पार्ट और केसिन पार्ट को अलग अलग किया जाता है। जो वे पार्ट होता है दैट इज़ अ फास्ट एब्जॉर्बिंग पार्ट, जो केसिन पार्ट होता है दैट इज़ अ स्लो एब्जॉर्बिंग पार्ट। हमें वर्कआउट के बाद हमेशा वे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने वर्कआउट किया है, अभी हमें फास्ट एब्जॉर्प्शन चाहिए, एब्जॉर्प्शन चाहिए न्यूट्रिएंट्स का, तो ये वो है। उसको अगर आप मिल्क के साथ मिक्स कर देंगे ना तो पूरा पर्पज डिफीट हो जाता है। जो अगर आप रात को ये चीज़ पी रहे हैं सोने से पहले, लास्ट मील में अगर आप ये पी रहे हैं, देन यू कैन मिक्स इट विद मिल्क, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वर्कआउट के बाद या सुबह पी रहे हैं तो इसको पानी में ही पिए। कुछ लोग बोलते हैं टेस्ट नहीं आता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी तो आप टेस्ट भूल जाइए। अगर आपको स्वाद चाहिए तो आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ दीजिए। कितना लेता हूँ मैं, अभी थोड़ा सा बल्क कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू गेन माई मसल मास बैक, सो मैं लेता हूँ ये 100 grams ऑफ वे आइसोलेट। आइसोलेट वे ये छोटा पैकिंग है, मैं छोटा पैकिंग इसलिए मंगाता हूँ गाइस क्योंकि 250 ग्राम का है, ये 4 दिन चलता है, 5 दिन चलता है, 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है ये, एंड देन आई कैन चेंज द फ्लेवर। ये क्या, इफ आई बाय दिस वन बिग वन तो आई एम स्टक विद इट फॉर एटलीस्ट अ मंथ, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। बट जो देख लेना अपने हिसाब से भाई, मैं तो स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फ्री का मिलता है, तो आई प्रेफर टेकिंग दिस। 100 grams लेता हूँ मैं ये, एक बार में 50 grams लेता हूँ मैं, तो अगर आप इसको एक सर्विंग में इसकी भाई 25 grams है, 25 ग्राम प्रोटीन है, तो मतलब कि एक दिन का अपना 80 ग्राम प्रोटीन मैं सप्लीमेंट से लेता हूँ। तो 2 scoop पे लेता हूँ सुबह और 2 scoop पे लेता हूँ वर्कआउट के बाद। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास सबसे कम पैसा है, मिनिमम खर्च करना आपको, तो ये सारा सामान भूल जाओ,
पहले आप ये दो खरीदो। तो मैं उसी फ्लो में आपको बताऊंगा क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले इतने सब बता रहा हूँ, आज है माय प्रोटीन की होली सेल, 9 बजे से शुरू हो गई थी, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कोड है गौरव31। सो इफ यूजली क्या होता है, अ गुड परचेज इज आप एक बार में सारा अपना स्टॉक खरीद लो, खरीद कर रख लो उसको, जब सेल में बेस्ट होता है जब, तो पूरा दिन सेल चलेगी। गौरव31 लिंक है डिस्क्रिप्शन, होली सेल लगे एंड यू विल गेट 31% ऑफ ऑन द परचेज ऑफ 6000 एंड अबव। और बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स भी है, बहुत सारे हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि ये जिस पे हम आए हुए रखे हुए मैंने। अब दूसरी चीज आता है गेनिंग पे, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, दिस इज अनफ्लेवर्ड माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, वर्कआउट के बाद 5 ग्राम्स प्रोटीन शेक में मिला लीजिए, उसको पी लीजिए। इसकी साइंस क्या है इसके पीछे की, दिस इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन इनसाइड द मसल सेल। अब लोग बोलेंगे भाई बॉडी में वाटर होल्ड हो रहा है, क्रिएटिन मत लो, बॉडी में वाटर होल्ड हो रहा है, दाने हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है, दैट वाटर इज नॉट इनसाइड द मसल सेल, दैट वाटर इज बिलो योर स्किन विच इज गिव्स यू अ ब्लोटेड फीलिंग, कि आप पफी लगेंगे, मुंह फूला लगेगा, सब कुछ फूला लगेगा, बट वाटर इनसाइड द मसल सेल इज गुड। तो ये वही काम करता है, तो इसको आप नंबर टू, ये बहुत ही, दिस इज अ वेरी चीप प्रोडक्ट बट दिस इज वर्थ द मनी, तो सेकंड नंबर पर मैं इसको रखूंगा। आप ये खरीदिए, अपने बल्किंग साइकिल में डालिए। ऑब्वियसली अच्छा वर्कआउट करते हैं तो मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है, अल्फा मैन, प्रोबायोटिक सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा खाना नहीं खा पाते, या जिनको एक बार खाना खा लिया तो 4 घंटे तक भूख नहीं लग रही, या ब्लोटिंग हो जाती खाना खाते आप पचा नहीं पाते, सिर्फ उनके लिए। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते तो इसको आप हटा भी सकते हैं। उसके बाद मैं बोलूँगा ये विटामिन सी, विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी एंड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन इन द बॉडी। वाटर सॉल्युबल होता है, ज़्यादा होगा निकल भी जाएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं आपको बता दूंगा, मैंने पहले वीडियोस बनाए हुए हैं। इसके अलावा व्हाट आई टेक इज जिंक, मैग्नीशियम, अल्फा लिपोइक एसिड, विटामिन ई लेता हूँ मैं, विटामिन D3 लेता हूँ मैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जॉइंट्स के लिए मैं ग्लूकोसामीन प्लस MSM लेता हूँ। अगर आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं तो जॉइंट्स में बहुत वेरिएंटेड होता है, लिफ्टिंग करते वक्त मसल का मूवमेंट है, मसल स्ट्रांग हो रही है, ये जॉइंट देखो यूज़ में मेरे, जब मैं बेंच मार रहा हूँ ये जॉइंट यूज़ में, ये जॉइंट यूज़ में, लिगामेंट्स टेंडन्स की कोई एक्सरसाइज नहीं होती, उनको आप स्ट्रांग नहीं कर सकते। तो अगर मसल स्ट्रांग होगी, अभी आप 100 किलो कर रहे हो, 6 महीने बाद आप 150 किलो कर रहे हो, ये तो स्ट्रांग नहीं हुआ ना। अर्लियर इट वॉज हैंडलिंग अ लोड ऑफ 100 किलोज, नाउ इट इज हैंडलिंग अ लोड ऑफ 150 किलोज, तो इमेजिन द वेयर एंड टेयर ऑन योर जॉइंट, हु विल टेक केयर ऑफ इट, वी विल टेक केयर ऑफ इट। लिब्री जॉइंट करके एक दवाई आती है, आप वहाँ से ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से, पिंक कलर का आता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ये मैं डाल देता हूँ नंबर 3 पे। उसके बाद आता है BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड, इसमें 3 अमीनो एसिड होते हैं गाइस, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वैलिन। ये इंट्रा वर्कआउट होता है, बहुत लोग अभी बोलेंगे कि नहीं रिसर्च चाहिए कि BCAA काम नहीं करता, BCAA भाई काम करता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने फर्स्ट टाइम BCAA लिया था, मुझे आज भी याद है, दिल्ली में जिम था, आई यूज टू डू स्क्वाट्स, लेग प्रेस, उसके बाद मेरी हालत टाइट रहती थी ऑब्वियसली बिकॉज आई यूज टू टॉर्चर माय बॉडी, और लंजेस करने का मेरे पास जान नहीं बचती थी। फर्स्ट टाइम आई ट्राई, मैं दुबई से लेकर आया था, BCAA मैंने ट्राई किया, मैं लंजेस कर पाया था और ऐसा लगा कि लेग्स मारने के बाद मैं और मार पाऊंगा। सो दिस डेफिनेटली वर्क्स, आई डोंट केयर हू टॉक्स व्हाट अबाउट इट, दिस डेफिनेटली वर्क्स, दिस मिमिक्स कार्बोहाइड्रेट, तो एक एक्यूट इंसुलिन स्पाइक भी आपको देता है, तो मिमिक करता है कार्बोहाइड्रेट को, एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट की स्पाइक अगर ऐसी जाती है इंसुलिन की, तो इसकी एक ऐसी जाती है, ग्राफ का शेप सेम होता है लेकिन उतना एम्पलीट्यूड नहीं होता, सो यू नो व्हाट आई मीन, एक हल्का सा आपको किक देता है, बट इट डेफिनेटली वर्क्स। फ्लेवरिंग अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, दिस इज लीची फ्लेवर। प्लस ये तो होगा आपके बेसिक सप्लीमेंट्स। अगर मैं अभी जैसे मैं सीरियसली वर्कआउट, अभी इंटेंस वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, पहले मैं उतना इंटेंस नहीं था, ट्रैवल हो गया छूट गया, बट स्टिल ये तो आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे। नाउ कमिंग टू प्रोफेशनल एथलीट, जो बहुत ही इंटेंस और सीरियस वर्कआउट करते हैं, जिनको अपनी फिजिक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, उनके लिए ये दो प्रोडक्ट्स हैं, L-leucine। यार L-leucine अगर आप यूज़ करोगे, आपकी बॉडी पे इतना फर्क पड़ेगा ना, आपको फटीग इतनी कम हो जाएगी। वाई? बिकॉज L-leucine इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड फॉर बॉडी बिल्डिंग। जैसे L-leucine इसमें भी होता है, BCAA में होता है, 3 होते हैं, इसमें पीछे लिखा हुआ है L-leucine, बट ये L-leucine को सेपरेटली एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो मैं क्या करता हूँ अपने इंट्रा वर्कआउट में, 2 स्कूप ये मिलाता हूँ और 1 स्कूप ये मिलाता हूँ। अभी इसका फायदा क्या है, L-leucine अमीनो एसिड इज द अमीनो एसिड विच स्टार्ट्स द रिपेयर प्रोसेस आफ्टर योर वर्कआउट इज डन। तो ये अगर अबेंडेंस में होगा तो ये स्टार्ट कर देता है आपके रिपेयर को। वंस द रिपेयर इज स्टार्टेड, यू ऑब्वियसली नीड ऑल द 21-22 अमीनो एसिड विच आर इन द प्रोटीन, बट स्टार्ट करने के लिए इस लाइक कि
बोलते ना जनरेटर जब स्टार्ट करो तो शुरू में दो धक्के लगाने पड़ते, फिर अपने आप सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है। सो दो धक्के लगाता है ये वाला अमीनो एसिड, उसके बाद सेल्फ सस्टेनिंग होता है इफ़ यू हैव इनफ प्रोटीन इन द बॉडी, विच ऑब्वियसली इफ यू आर टेकिंग अ गुड डाइट यू डोंट हैव टू वरी। उसके बाद आता है एल ग्लूटामिन, अगर आपकी सोरनेस हो रही है, थकान हो रही है, देन यू नीड एल ग्लूटामिन। अगर आप उस लेवल का इंटेंस वर्कआउट नहीं करते देन जस्ट टेक द वे प्रोटीन, बिकॉज वे प्रोटीन में भी 3 से 4 ग्राम ग्लूटामिन होता ही होता है, क्योंकि ये एक अमीनो एसिड है गाइस, प्रोटीन का पार्ट है, तो ये पूरा प्रोटीन तो उसमें होगा ही होगा। बट इफ यू आर नेक्स्ट लेवल एथलीट देन यू नीड एक्स्ट्रा एल ग्लूटामिन टू रिड्यूस द फटीग। ठीक है, ये हो गया मेरे सप्लीमेंट्स। अब ये एक आता है क्लियर वे आइसोलेट, दिस इज मोर ऑफ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, इसमें ब्लोटिंग बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इसमें मिल्की फ्लेवर है ना इसमें, तो इसमें मिल्की फ्लेवर नहीं होता। तो ये मैं रखता हूँ फ्लेवरिंग के लिए, कभी पानी में डाल लिया, पी लिया, हेल्दी ड्रिंक भी है। सो दिस इज मोर ऑफ चेरी ऑन द केक टाइप सप्लीमेंट। ये अपने सप्लीमेंट्स हो गए स्टैक कंप्लीट। ये मैंने आपको बहुत बेसिक बताया गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं कभी भी आपको ऐसा गाइड नहीं करूंगा कि ये फैंसी वो फैंसी, फालतू आपका पैसा खर्च कराने का मेरा मकसद नहीं है। इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स बता दिए आपको। अभी ये 3 जो है बार्स हैं, अगर आप ट्रैवल करते हैं, खाना नहीं खा पा रहे, तो दिस आर वेरी गुड टू कैरी। अगर आप पूरा डब्बा करके मंगा के रख लो, 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, 1 दिन की ये उठा के ले गए अपना साथ में, या चाय के साथ पी ली। दीज आर द बिस्किट, दीज आर चॉकलेट फिल्ड कुकीज। 20 ग्राम प्रोटीन है, 0.9 ग्राम शुगर है, दिस इज वेरी गुड। दीज आर हाई प्रोटीन, 30 ग्राम्स है इसमें, दिस इज कोकोनट फ्लेवर, ये भी बहुत अच्छा है। वन थिंग श्योर कि अगर आप ये खाते हैं, स्पेशली ये खाते हैं, तो आपका आपका मुंह बहुत ड्राई होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन इतना ज़्यादा है, इतने से खाने में बहुत सारा प्रोटीन है। सो यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन यू हैव दीज प्रोडक्ट्स। और ये है लेयर्ड, ये रितु की फेवरेट है। तो इसमें शुगर थोड़ी सी ज़्यादा है, इसमें 2.4 ग्राम शुगर है, इसमें 0.9 ग्राम शुगर है, तो उस हिसाब से अपना देख लेना आप। बट हाँ, कार्ब दोनों में कीटो कर रहे हैं, तो आई डोंट रिकमेंड हैविंग एनी ऑफ दीज। कीटो में आप नहीं खा सकते, अगर आप कीटो नहीं करें तो आप खुश होकर खाइए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्या यार, हमको लगता है कि ये वेस्टेज है पैसे की, क्योंकि उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आप बहुत आपकी ऐसी लाइफ स्टाइल है कि आप मील्स हमेशा कैरी नहीं कर सकते, अगर आप घर में नहीं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी टू स्टे ऑन ट्रैक। ऑफिस में अगर आप हैं तो गंद खाने का अच्छा ये खा लो, अगर पेट भरा रहेगा आपका, तो आपको क्रेविंग भी कम होगी। अब आती है दूसरी चीज़ कि यार, ये तो मैंने बता दी गेनिंग के प्रोडक्ट्स आपको, अभी इसमें कटिंग के प्रोडक्ट के लिए क्या क्या चाहिए होगा। गाइस, गेनिंग और कटिंग दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी डिफरेंस बस एक सप्लीमेंट आपका ऐड हो जाएगा, वो है फैट बर्नर। दूसरी चेंजेस जो आएगी आपकी, आपके कार्डियो ऐड हो जाएगा और आपका कैलोरीज थोड़ी कम हो जाएंगी। गेनिंग और कटिंग में बस इतना ही डिफरेंस है, लोगों ने इसका हवा बनाया हुआ है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और आप रेप्स रेंज वैसे ही करेंगे, आप वर्कआउट वैसे ही करेंगे, आप इंटेंस वर्कआउट करेंगे, आप खाने के सोर्सेज भी वही रखेंगे, अगर आप चिकन, स्वीट पोटैटो, राइस, फिश, एग्स, वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ओनली थिंग इज यू ऐड अ फैट बर्नर, वाई, बिकॉज इट विल ब्रिंग योर मेटाबॉलिक रेट अप, थोड़ी कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करेंगे आप। यू ऐड कार्डियो, कार्डियो से कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करेंगे आप, एंड यू रिड्यूस योर कैलोरीज। तो तीनों चीज़ें एक ही काम कर रही हैं, कैलोरी डिफिसिट। आप बेसिकली समझ लीजिए, कटिंग में सिर्फ कैलोरी डिफिसिट में जाना है आपने, और कुछ चेंज नहीं करना। फैट बर्नर, कार्डियो एंड डाइट, ये तीनों कैलोरी डिफिसिट ही देती हैं, ये सप्लीमेंट चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये सप्लीमेंट्स शायद आप कम खाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कार्ब्स होती है, तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना। तो बट हाँ, दिस इज द फंडा। लोग सोचते हैं बल्किंग एक बहुत ही अलग साइन, एक अलग स्ट्रीम है बॉडी बिल्डिंग की, और कटिंग एक अलग स्ट्रीम है बॉडी बिल्डिंग की। कोई अलग स्ट्रीम नहीं है, कटिंग में आप थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बल्किंग में थोड़ी लेवरेज होती है, बल्किंग में थोड़ा चीट कर सकते हैं, तो बस ये डिफरेंस होता है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा, थोड़ी तो पसंद आया होगा, थोड़ी नॉलेज मिली होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। और माय प्रोटीन की सेल है आज, तो लपेट लेना।